भाई दिस इज द बेस्ट डिस्टोपियन मूवी व्हेन आई एवर सीन। तो फाइनली प्रभास को जो कमबैक दे सकती है वो मूवी आखिरकार थिएटर्स में आ चुकी है, जिसे अगर आप देखने का सोच रहे हो तो एक वार्निंग लेते जाओ कि मूवी आपको इतने ज्यादा लिटरली इतने ज्यादा सरप्राइजेस देने वाली है जिससे आपके होश सच में उड़ जाएंगे। जहां मेरा भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। एंड इसके अलावा जो दूसरी चीजें ये मूवी आपको देती है उसमें से क्या नया है और क्या पुराना, चलो बात करते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हमारी एक और नए वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट एपिक मूवी मेरे हिसाब से कल की 2898 एडी के बारे में। देखो पहले मैं आपको इस मूवी के जॉनरा के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा, जहां ये मूवी साइंस फिक्शन वाले लाइनअप को फॉलो करती है। बट इसमें हमें मूवी के डायरेक्टर नाग अश्विन की तरफ से अपने हिंदू गॉड्स की एपिक स्टोरीज को ऐड करके जो मूवी बना के दी है ना, किसी भी मूवी लवर की आत्मा एकदम तृप्त हो जाएगी, इतना सुपर डुपर काम देखने को मिलता है आपको इस मूवी में। जहां भाई बिना किसी स्पॉइल के साथ मूवी की स्टोरी के बारे में जाने तो कहानी ऑलमोस्ट 6000 साल बाद की है, जहां अब दुनिया में कुछ नहीं बचा सिवाय दुनिया के पहले शहर काशी को छोड़ के, जो कि इतना मॉडर्न हो चुका है कि वहां अब टेक्नोलॉजी का राज है। बट अगर इंसान है तो भेदभाव होना भी लाजमी सी बात है। तो काशी में हमें कॉम्प्लेक्स नाम की एक ऐसी जगह देखने को मिलती है जहां जीवन की सारी सुख सुविधाएं एंड रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, बट यहां आपको एंट्री लेने के लिए देनी होगी 1 मिलियन यूनिट, जो कि कॉम्प्लेक्स की करेंसी बन चुकी है। तो भाई स्टोरी के बारे में बताने को मेरे पास बस इतना ही है, क्योंकि इससे ज्यादा अगर इस मूवी के बारे में मैं आपको बताने गया तो शायद पूरी मूवी ही रिवील कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि कैसे इस मूवी के बारे में डिस्क्राइब करूं आपको चीजें, इतना ज्यादा फन टाइम मिला है मुझे इससे। जहां भाई मूवी का रन टाइम 3 घंटे का है, जिसमें आपको 3 फेसेस देखने को मिलते हैं जो कि यूजुअली हर मूवीज में होते हैं, बट यहां आपको पहले फेज में थोड़ा पेशेंस रखना होगा। दूसरे फेज में ये मूवी बहुत बेहतरीन ट्विस्ट के साथ इंटरवल में जाती है, देन थर्ड फेज आते आते तो जहाँ ये मूवी टॉपिक तो वही पुराना लाती है डिस्टोपियन वाला, बट इस कैटेगरी में जितनी भी मूवीज बनी हैं सब एक से बढ़कर एक कबाड़ा। बट कल्कि में हमें डिस्टोपियन के साथ अपनी हिंदू गॉड्स की एपिक स्टोरीज जुड़ती हुई नजर आती हैं, महाभारत से लेके जिस दौर में हम जी रहे हैं कलयुग उस तक जो चीजें हमें दिखाई हैं, कल्कि, कली, अश्वत्थामा, 8 चिरंजीवी, भाई ये सब सच में बहुत कूल था। हालांकि क्लियरली उन सबके नाम मूवी में नहीं लिए हैं, बट जो रेफरेंसेज हमें देखने को मिलते हैं भगवान विष्णु के 10वें अवतार के बारे में, भाई सुन के ही दिल खुश हो गया था अपने आप मेरा। अब इतनी तारीफ करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि कुछ लोग इसे ड्यून एंड स्टार वॉर्स से कंपेयर कर रहे थे कि ये तो कॉपी है उनकी, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। इसमें जो इमेजिनरी दुनिया आपको देखने को मिलती है उसको जिस तरह से बनाया है, इट्स मेक सेंस की चीजें रियल लगती हैं, जिससे कल की यूनिवर्स बाकी सारे बड़े बड़े विजुअल्स वाली मूवीज के कंपैरिजन में खुद का एक अलग स्टैंड रखती है, जो कि काफी है इस मूवी को हिट बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया में क्वालिटी विजुअल्स प्लस बेहतरीन स्टोरी प्लस हिट होना, ये तीनों ही चीजें बहुत कम देखने को मिलती है। बट कल की के केस में मुझे ये तीनों ही चीजें साथ में दिख रही है। बाकी अब बात करें कास्टिंग की तो भाई सबका काम कमाल था। लाइक अश्वत्थामा प्लेड बाय अमिताभ बच्चन, भाई इन्होंने कहीं कमी नहीं छोड़ी, मतलब इनका हर सीन बहुत परफेक्ट था। साथ ही दीपिका पादुकोण ने भी साइड बाय साइड मूवी को संभाला है। एंड भाई मूवी के विलन यानी कमल हसन, क्या था ये! पहले तो इनके साथ जुड़े हुए हर CGI सीन इतने गजब और इनकी परफॉर्मेंस लाइक इतनी इम्पैक्टफुल थी कि ये सच में कली लग रहे थे। स्पॉइलर अलर्ट। बाकी बात करें अपने रेबल स्टार प्रभास की, तो इनका कैरेक्टर जैसे Amazon प्राइम पे आई मिनी सीरीज भुजी एंड भैरवा में दिखाया था, सेम वैसे ही इस पूरी मूवी में भी देखने को मिलता है, एक जॉली और मस्तीखोर कैरेक्टर टाइप का, जिसे देख के प्रभास की पिछली मूवीज के कंपैरिजन में ये रोल आपको थोड़ा ज्यादा पसंद आने वाला है फॉर श्योर। जहां देखो अब मूवी को सीरियसली परफेक्ट कंसीडर ना करते हुए जाने इसकी कमियों के बारे में, तो वो था मूवी का पूरा फर्स्ट हाफ। हां इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था कि मूवी के पहले फेज में आपको पेशेंस रखना होगा। एंड इसके पीछे की वजह है अपनी दिशा पटानी, जिनका ग्लैमर तो दिखता है बट उनकी एक्टिंग एंड मूवी में उनका इम्पैक्ट कहीं नहीं दिखता, जो कि मूवी देखते टाइम आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बट जब सेकंड हाफ चालू होता है, अश्वत्थामा वर्सेस भैरवा, भुजी का ट्रांजिशन एंड ऐसे बहुत सारे सीन्स थे जिसने मूवी को बचा लिया एंड हम जैसे फैंस को एक एपिक स्टोरी प्लस एक यूनिवर्स दे दिया। बाय द वे कल्कि का ये फर्स्ट पार्ट था, अभी ये फ्रेंचाइजी काफी लंबी चलने वाली है। इन द एंड कल्कि मूवी के लिए मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी एंड इसने वो फुलफिल भी की सेकंड हाफ में, जहां ये मूवी उन सब लोगों को मैं रेकमेंड करना चाहूंगा जो कि सोचते हैं इंडिया में कभी कुछ अच्छा नहीं बनता, भाई इसे देखो और फिर बोलो। भाई इंडिया में भी बहुत पोटेंशियल है सिनेमा को लेके, बस दिखाने वाला होना चाहिए। बाकी 700 करोड़ का कार्टून शो तो पहले से ही एग्जिस्ट करता है एग्जांपल और एक सैंपल के लिए। जहां अब अगर आप वीडियो के एंड तक आ गए हो और मूवी को देखने के लिए कोई हेल्प मिल गई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे एंड चैनल पे नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दे। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। Bye!